फ़ोन में, गूगल के पिक्सल फ़ोन में जो गूगल लेंस का सपोर्ट था, वो अभी कल मार्च 7 को पूरा ऑल ओवर एंड्रॉयड में रोल आउट कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ पिक्सल फ़ोन के लिए अवेलेबल था, एक महीना बाद ये आधे फ़ोन में सपोर्ट करता था, लेकिन अभी ऑल फ़ोन में सपोर्ट करता है, ऑल एंड्रॉयड फ़ोन में सपोर्ट करता है। iOS में आएगा लेकिन अब तक नहीं आया है। तो ये गूगल लेंस है क्या एक्चुअली? ये है किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोटो उठा के उसको क्लिक करेंगे, गूगल लेंस में क्लिक करेंगे, तो वो AI के मतलब AI को यूज़ करके बता देगा कि वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है क्या, और उसे रिलेट करके बहुत सारे इमेज डाल देगा। तो उसके बाद उसको यूज करने के लिए आपको पहले गूगल फोटोज को अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर में। उसका वर्जन होना चाहिए 3.15.0.18751.7307। अगर ये नहीं होगा तो गूगल का जो लेंस वो नहीं आएगा। उसको अपडेट करने के बाद आपको मोबाइल को पहले रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद आपको ये फीचर्स जल्दी मिल सकता है, नहीं तो एक दिन बाद मिलेगा, जैसे कि मेरे को आज मिला है। कल मैं इसको अपडेट किया था तो मेरे को ये फीचर्स आज मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ ये फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे जो आइकन होता है इन्फो का, वो यहाँ पे चला गया है इन्फो पार्ट में, ठीक है। यहाँ से बैग जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल लेंस का सपोर्ट आ गया है, जहाँ पे कि वो जो फोटो का डिटेल्स देखा वहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं उस फाइल को, लैंडमार्क का पता कर सकते हैं और बुक को पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड करते हैं। तो ये अभी डिटेक्ट कर रहा है, देखिए लास्ट को ये डिटेक्ट नहीं कर पाया है। तो हम और एक फोटो को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। ये मैं रेडमी नोट 5 प्रो का फोटो लिया हूँ, देखते हैं इसको ये डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। तो ये थोड़ा गलत दिखा रहा है कि ये नोट 3 दिखा रहा है, Xiaomi नोट 3, उसमें भी डुअल कैमरा है, लेकिन देखते हैं हमारे MI A1 को एडिट कर पाता है कि नहीं, ठीक है। ये MI A1 का फोटो है, देखते हैं कि ये एडिट कर पाता है कि नहीं। तो हम जो 3 फोटो देखे, पहले बारे में वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, सेकंड में वो डिटेक्ट किया लेकिन वो Xiaomi का और एक प्रोडक्ट Xiaomi दिखाई, ये अच्छा बात है, लेकिन Xiaomi का नोट 3 दिखाया, गलत था वो। लेकिन यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेक्ट कर दिया है कि ये MI A1 ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि करता है, अच्छा करता है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? तो पहले आपको मैंने जैसे बताया कि पहले आपको गूगल फोटोज़ को आपको अपडेट कर लेना है, और उसके बाद आपको जब ये अभी रोल आउट स्टेज में है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को तो एक दिन लगा, मैं आज ये ऑप्शन पाया मेरे फ़ोन में, तो आपको भी मिल जाएगा। सिर्फ अपडेट कर लीजिए और बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।